इसको तो लोग पॉजिटिवली लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब पॉजिटिवली ले रहे हैं तो हमारे विपक्षी खेमे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक था है कुर्सी के लिए सब ठीक नहीं, ठीक था है और रहेगा कुर्सी के लिए नहीं बल्कि न्याय के साथ विकास के एजेंडे के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। पूछ रहे हैं 10 लाख रोजगार, 10 लाख 2 करोड़ कहाँ गया? 10 लाख में तो आप देख ही रहे किस रफ्तार में बिहार की सरकार नौकरियां दे ही रही है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा कहाँ गया? पूछिए ना जरा उनसे, पूछिए। कुर्सी 25 तक सलामत रहे चाहे जो हो जाए। नीतीश कुमार जी ने कभी कुर्सी की चिंता नहीं की है। नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बिहार है वहाँ अधिकारियों का शासन चलता है और नीतीश कुमार भी अधिकारियों पर अपना शिकंजा जमाए रखते हैं। दरअसल मामला ऐसा है कि जब राम सूरत राय भूमि सुधार मंत्री थे उस वक्त जब उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम किया था तो उसको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया था और अब जो भूमि सुधार के मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, जब उन्होंने भी मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया तो उसे भी मुख्यमंत्री ने काट दिया। सफाई में भी पेश कर दिया कि कुछ गड़बड़ियां थी, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार अधिकारियों पर अपना शिकंजा जमाए रखने के लिए इस तरीके का काम करते हैं और जेडीयू आरजेडी में कहीं ना कहीं इस वजह से खटास भी है? बात करते हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। नीतीश कुमार पर तो आरोप लगते ही हैं कि अफसरशाही को चरम पर पहुंचाने वाले नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी पूरा ख्याल रखते हैं कि उनका अधिकारियों पर दबदबा बना रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं, मीडिया में स्क्रिप्ट है, हमारे विरोधी कुछ स्क्रिप्ट चला रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनका और उनका जो समन्वय सरकार में है उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उनके गवर्नेंस पर कोई सवाल नहीं। और जहां तक ये जो फैसला लिया गया है उसको लेकर जो हायतौबा मचाई जा रही है, आपने राष्ट्रीय जनता दल का बयान सुना है, आपने स्वयं मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है, तेजस्वी यादव जी को सुना है, ये जो स्क्रिप्ट सेट की जा रही है कि किसी नीतिगत फैसले जो कि सरकार के द्वारा लिए गए हैं उसके हिसाब से महागठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय में दिक्कत और समस्या, ये गलत है। एक तो सरकार द्वारा लिए गए ऐसे नीतिगत फैसलों पर किसी भी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया का कोई खासा औचित्य नहीं बनता है। नीतीश कुमार जी की नज़र हर चीज़ पर होती है, कहीं अगर नियमों का उल्लंघन होता है या जो अपेक्षा होती है उसके अनुसार कार्य नहीं होते हैं तो उसमें संशोधन होता रहता है, कोई नई और बड़ी बात नहीं है। अब इसको लेकर लोग स्क्रिप्ट चला रहे हैं, चलाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है अभिषेक जी, आपकी इस बात को हम मान लेते हैं कि विरोधी स्क्रिप्ट दिए हैं चला रहे हैं जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि राम सूरत राय भाजपा वाले भी मंत्री थे ना उस वक्त भी जब यही काम हुआ था और उस वक्त भी नीतीश कुमार ने उसे कैंसिल कर दिया था, वो वक्त भी आपको याद होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ और फिर वही बात हुआ है, तो क्या ये स्क्रिप्ट है? यही काम हुआ है और वही काम हुआ है, सेम है कि डिफरेंट नेचर है, ये तो जस्टिफाई कोई नहीं कर सकते। तो डिपार्टमेंट के लोग और सीएम जो ऑफिस है वो बता सकता है इन चीज़ों को, हम लोग इस पर क्यों प्रतिक्रिया दें इस तरह से, या हम लोग क्यों बायस होकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें? नियमों के हिसाब से या अपेक्षा के अनुकूल अगर चीज़ें नहीं हुई होंगी उस वक्त हो या इस वक्त, और नीतीश कुमार जी की नज़र हर चीज़ पर रहती है, उन्होंने फैसला लिया है और नीतीश कुमार जी ने जब भी जो भी फैसला लिया है बिहार के हित में लिया है, सरकार के हित में लिया है, सरकार की छवि के हित में लिया है और जो नियम संगत, कानून संगत, तर्क संगत है वो किया है। तो अब इस बात को लेकर कोई इसका कितना भी ऑपरेशन करना चाहे निष्कर्ष वही है। यानी कि आपका कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने मर्जी से ये सारा काम किया? नीतीश कुमार जी ने बिहार के हक में हमेशा फैसले लिए हैं, आगे भी लेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो फिर मंत्री बनाए गए तो मंत्री ने जब किया उसके बाद फिर उसे क्यों काट दिया गया? अरे आप अपने एक न्यूज़ चैनल के बहुत तेज तर्रार प्रतिभावान रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपका न्यूज़ चैनल मिलकर सेट करता होगा ना आपके साथ, तो इसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? इसको तो लोग पॉजिटिवली लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब पॉजिटिवली ले रहे हैं तो हमारे विपक्षी खेमे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक था है कुर्सी के लिए सब ठीक नहीं, ठीक था है और रहेगा कुर्सी के लिए नहीं बल्कि न्याय के साथ विकास के एजेंडे के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। पूछ रहे हैं 10 लाख रोजगार, 10 लाख 2 करोड़ कहाँ गया? 10 लाख में तो आप देख ही रहे किस रफ्तार में बिहार की सरकार नौकरियां दे ही रही,
2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा कहाँ गया, पूछिए ना जरा उनसे, पूछिए। कुर्सी 25 तक सलामत रहे चाहे जो हो जाए। नीतीश कुमार जी ने कभी कुर्सी की चिंता नहीं की है। नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता है।